नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 15 अगस्त 2019 को देयर इज गोइंग टू बी अ थ्री वे क्लैश। यस, क्लैशेस आर नॉर्मली व्हेन टू फिल्म्स क्लैश। दिस टाइम वी आर हैविंग थ्री फिल्म्स व्हिच आर क्लैशिंग ऑन 15th of August, एंड आई एज अ सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर आई एम ऑलरेडी गेटिंग नाइटमेयर्स, एज आई हैव सेड इट ऑन माय ट्विटर हैंडल मेनी टाइम्स। बट एनीवे, आज जो तीसरी फिल्म है बकला हाउस, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मुझे बाटला हाउस का ट्रेलर कैसा लगा, मुझे उस फिल्म के क्या बॉक्स ऑफिस पे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं और ये फिल्म उन दोनों फिल्मों के साथ में जब रिलीज होगी तो मुझे क्या लगता है कि क्या होगा। सो कीप वॉचिंग। दोस्तों बाटला हाउस इज बेस्ड ऑन द फेमस बाटला हाउस एनकाउंटर्स व्हिच हैपेंड इन दिल्ली, एंड वो एक उसके बाद जो पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ, जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या क्या परेशानियां हुई, वेदर देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या वो लड़के टेररिस्ट थे कि नहीं थे, बेगुनाह थे कि वेदर टेररिस्ट, वेदर एसोसिएटेड विद द टेररिस्ट आउटफिट्स और नॉट। एंड इन बिटवीन ऑल द बंच ऑफ ऑफिसर्स हु हैड एक्चुअली एग्जीक्यूटेड दिस एनकाउंटर्स, दे गॉट एम्ब्रॉयल्ड इनटू अ बिग पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एंड द पर्सन हु वाज लीडिंग दिस टीम, उनकी कहानी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी रखी गई है। और इस ट्रेलर में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, पर्सनली ट्रेलर देखने के बाद मुझे सबसे अच्छा लगा, वो मुझे ट्रेलर में सबसे अच्छे लगे जॉन इब्राहिम, बिकॉज जॉन इब्राहिम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लास्ट 3-4 फिल्म्स, आई थिंक ही इज रियली ग्रोइंग एज एन एक्टर नाउ, और वो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उन पे वो ध्यान दे रहे हैं, एंड द वे ही इज डिलीवरिंग हिज डायलॉग्स, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक वो होलसम परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ही इज गेटिंग इट राइट। आई थिंक ही गॉट इट राइट इन परमानु, आई थिंक ही गॉट इट राइट इन सत्यमेव जयते, आई थिंक ही गॉट इट राइट इन रोमियो अकबर वॉल्टर, बट दैट फिल्म कुडंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, बहुत द फिल्म वाजंट रिसीव्ड वेल, बट आई थिंक जॉन वॉज वेरी गुड इन दैट फिल्म टू, एंड इवन हियर ही इज लुकिंग वेरी गुड। दूसरा जो मुझे ट्रेलर का सबसे अच्छा बात लगा, मुझे ट्रेलर के डायलॉग अच्छे लगे, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आर द मेन हुक्स ऑफ द ट्रेलर। आई थिंक दैट दैट इज व्हाट स्टेज विद यू वंस यू वॉच द ट्रेलर। जो दो तीन डायलॉग्स हैं, जो जॉन के दो तीन डायलॉग्स हैं ट्रेलर में, वही आपके साथ स्टे करती हैं। और जो सपोर्टिंग कास्ट है वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड एंसेंबल कास्ट एंड बोर्ड, वेरी केपेबल एक्टर्स, और वो मुझे वो जितने लोग हैं उसमें, आई मीन they are all knockout actors, and I think they will support John very ably and making that film very good. But question mark ये है दोस्तों कि साहो और मिशन मंगल के सामने क्या ये फिल्म टिक पाएगी, क्या ये will this film be able to hold its own once the 15th August छुट्टी और the great holiday goes away? Film trailer देखने के बाद मुझे एक चीज ये जरूर समझ में आ रही है कि ये एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है, बट इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, एंड द वे द डायरेक्टर हैज माउंटेड दैट फिल्म, द वे जॉन के कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बनाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, सो द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू गो इनटू द मास जोन आल्सो विद दिस फिल्म, कि वो जॉन को जिस तरीके से दिखा रहे हैं डायलॉग बोलते हुए या फिर एक्शन करते हुए, एक लास्ट शॉट है जिसमें एक्शन करते हुए दिखा रहे हैं, सो आई थिंक ही वॉन्ट्स टू मेक इट इंटू अ मासी प्रोडक्ट ऑल्सो, बट ऑल्सो केटरिंग टू द क्लासेस। और एक फिल्म में बीच में एक शॉट है जहां पे एक आइटम सॉन्ग है, तो आई प्रॉब्ली इंस्पायर्ड फ्रॉम सत्यमेव जयते से वो इंस्पायर हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फिल्म क्लासेस और मासेस के बीच में कहीं पे गिर रही है, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द फिल्म, because what it really ends up is being, I hope it doesn't end up being a confused product, because it neither lands here nor it lands there, because Satyamev Jayate agar aap dekhen jo ki John ki abhi tak ki solo mein, I think it's one of his biggest hits which he did, and he delivered that hit in front of a superstar Akshay Kumar ki film thi Gold, aur kisi ne bhi John ke film pe paisa, matlab people were not even giving it any chance, and that film surprised, and it did round about 85 crore of business against Gold, and that was phenomenal, because us film mein it was an all out massive film, usme koi, it was a no holds barred mass action film
जिसका टारगेट ऑडियंस मास था और उसको वू करने के लिए वो 100% जा रहे हैं, मुझे इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं, ये ना मास में जा रहा है फुली ना ये टोटली क्लास में आ रहा है, तो ये ट्रेलर में मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा एंड आई थिंक दिस इज वॉट विल और माइट होल्ड द फिल्म बैक बिकॉज इट इज गिविंग कंफ्यूजिंग सिग्नल्स टू बोथ द ऑडियंसेस। ये फिल्म अभी हमने जो दिल्ली पुलिस के बारे में भी काफी कुछ बन रहा है और बना है, अभी हाल में नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी क्राइम स्टोरी जिसमें निर्भया गैंगरेप के बारे में दिखाया गया था एंड आई थिंक दैट वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिल्ली पुलिस आई हैव सीन एवर, किस तरीके से पुलिसिंग होती है एंड दैट इज वॉट द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस और दैट इज वॉट दीज गाइज वॉन्ट टू सी रियलिस्टिक के नाम पे वो देखना चाहते हैं। मास ऑडियंस जो है वो अभी भी एक्सेप्ट करती है बागी को सत्यमेव जयते को, दे लव इट, दे लैप इट अप, उनको बहुत मजा आता है, बट उस ऑडियंस को आप एक कॉन्फ्यूज प्रोडक्ट अगर आप देंगे तो आई डोंट थिंक दे विल बाइट एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद जॉन हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप जॉन की फिल्मों को आप देखेंगे तो वो नो मैन्स लैंड में गिरती है, नाइदर मास नॉर क्लास, वो बीच में गिरती है बिकॉज ही ट्राइज टू बैलेंस इट and that's not the way to do it and the reason why Milab got it right in Satyamev Jayate because he went all out and he let John loose। yahan pe Nikhil Advani ne John ko rok ke rakha hua hai, aapko lag raha hai ki mujhe main matlab cha raha hu ki John mare agar as a mass ka agar main soch raha hu but as a class audience I'm thinking ki yaar he's still very loud as a police officer, ye thoda sa zyada dramatic ho raha hai, over dramatic ho raha hai, so I think that is the problem as far as I am concerned at the box office because it is giving confusing signals to both the audiences। despite that I aur agar clash hai saho bahut badi picture hai 300 crore ka budget hai, dusri picture mission mangal akshay kumar with a stellar cast and talking about one of the most prestigious events in indian history mangal mission ke bare mein hai and akshay kumar ka agar aap track record utha ke dekhe so maybe filmon ka business upar niche hua hoga but one thing is assured that ki akshay ki film खराब नहीं आ रही है इधर इन रिसेंट टाइम्स, किसी भी फिल्म को आप अक्षय की जो पिछले 6-7 साल में आई है आप बुरा नहीं बोल सकते हैं, हिज क्वालिटी हैज बीन टॉप नॉच, बीट एयरलिफ्ट, बीट पैडमैन, बीट केसरी, बीट एनी फिल्म ऑफ अक्षय कुमार, ही हैज डिलीवर्ड क्वालिटी एंड दैट इज देयर। सो इन फ्रंट ऑफ दीज टू बिग फिल्म वेयर प्रभास इज कमिंग विद 300 crore मॉन्स्टर कॉल्ड साहो एंड अक्षय कुमार विद अ सॉलिड फिल्म, बाटला हाउस गिविंग कंफ्यूजिंग सिग्नल्स to both the audiences, I think this film is slightly in trouble and I don't think ki they need to sort this problem out and give proper signals ki ye film kiske liye bani hai and to put it in a correct manner and I think that is the problem that I am seeing। let's see how the audiences react when the films open on 15th August, lekin mujhe thoda mushkil lag raha hai कि अगर यही है और यही कॉन्टिन्यूस प्रमोशन रहेगा, आइटम सॉन्ग भी आप इस पिक्चर में आप डाल दोगे तो एक रियलिस्टिक इवेंट को आप शायद कहीं ट्रिविलाइज कर रहे हैं, आप कहीं उसको मास मार्केट कर रहे हैं, तो ये उतना पैलेटेबल किस ऑडियंस को होगा दैट इज येट टू बी सीन। सो आई थिंक आई एम स्लाइटली कंफ्यूज, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ दिस फिल्म विल रियली गो एट द बॉक्स ऑफिस, लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट एंड हाउ पीपल React on 15th August when all these three films open together। Thank you।